बरामद शराब के साथ जब्त की गई बाइक एवं तस्करों को पतौना ओपी अध्यक्ष ने एक मोटी रकम लेकर गुरुवार की सुबह छोड़ दिया। पतौना ओपी क्षेत्र में शराब कारोबारियों को पुलिसिया संरक्षण मिलने का मामला प्रकाश में आया, जिसके चलते शराब कारोबार का धंधा काफी तेजी से फल फूल रहा है। जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की रात गुप्त सूचना पर ओपी अध्यक्ष प्रहार शर्मा के द्वारा नहसा गांव में रंजीत यादव के घर छापामारी कर एक बाइक के साथ 13 बोतल अंग्रेजी एवं 6 बोतल नेपाली शराब जब्त कर थाना लाया गया। लेकिन इसी बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आया है कि बरामद शराब के साथ जब्त की गई बाइक एवं तस्करों को पतौना ओपी अध्यक्ष ने एक मोटी रकम लेकर गुरुवार की सुबह छोड़ दिया, जो ओपी क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ। ओपी अध्यक्ष से पूछने पर बताया कि सिर्फ शराब बरामद की गई, इस संबंध में नासा गांव के निवासी रंजीत यादव के विरोध में कांड संख्या 23/2023 दर्ज की गई है, जबकि प्रत्यदर्शियों का कहना है कि पुलिस के द्वारा जब्त की गई शराब के साथ बाइक भी ले जाया गया, जिसे कारोबारियों के द्वारा पुलिस मैनेज कर अपने बाइक छुड़ा ली गई, लेकिन पुलिस सिर्फ शराब बरामद दिखा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस के संरक्षण में ही शराब का कारोबारी होता है। मालूम हो कि इससे पूर्व भी रंजीत यादव के विरोध में शराब कारोबार का मामला थाना में दर्ज हुआ था। कैसा लगा मेरा रिपोर्ट, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हम आपके लिए